प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग पॉइंट जीके में। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए पॉलिटिकल साइंस सेकंड ईयर के जो ब्रिटिश विधान था उसका दूसरा भाग। तो कल हमने पढ़ा, उससे आगे आज हम पढ़ेंगे ब्रिटिश विधान के स्रोत हैं कि क्या क्या स्रोत हैं जिनके परिणाम स्वरूप आज जो ब्रिटेन का संविधान विकसित हुआ है वो स्रोत हम पढ़ेंगे। तो पहला स्रोत है महान अधिकार पत्र या ऐतिहासिक प्रलेख। तो महान अधिकार पत्र या ऐतिहासिक प्रलेख जो है वो समय समय पर वो एक स्रोत है, वहाँ से लिया गया है और ये अलिखित संविधान है, अच्छे से याद रखना है। देखो, ब्रिटिश संविधान एक लंबे समय के ऐतिहासिक विकास का परिणाम, यानी ये निर्माण नहीं हुआ इसका, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कल कि ब्रिटिश संविधान का निर्माण नहीं हुआ। समयबद्ध तरीके से जब जब आवश्यकता महसूस हुई उनमें संशोधन होता रहा और वो आज के रूप में विकसित हुआ। तो इसमें देखिए, और संवैधानिक विकास के इस लंबे इतिहास में कुछ युग प्रवर्तक घटना, युग प्रवर्तक का मतलब जो एक क्रांतिकारी परिवर्तन हो, युग को बदल दे, समय को बदल दे, ऐसी घटनाएं युग में परिवर्तन ला दें। तो युग प्रवर्तक घटनाएं हुई हैं जिन्होंने महान अधिकार पत्र या ऐतिहासिक प्रलेखों को जन्म दिया है। जैसे 1215 का मैग्ना कार्टा, देखो मैग्ना कार्टा के अधिकार पत्र, जब शासक के अत्याचारों से त्रस्त होकर के जनता ने मांग की कि हमें भी अधिकार दिए जाएं, तो सामंत वर्ग की तरह एक आम जनता को भी अधिकार मिला। तो समय पर यह जरूरत पड़ी तो इस तरह से 1215 मैग्ना कार्टा, 1628 का अधिकार याचिका पत्र, 1689 का अधिकार पत्र, ये जो है ये समय समय पर जो आए ये प्रलेख हैं या अधिकार पत्र हैं और ये इसके स्रोत बने। और इन सबको सामूहिक रूप से ब्रिटिश संविधान की बाइबिल कहा जाता है। किनको? इन अधिकार पत्रों को। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे। दूसरा जो पॉइंट है संसदीय अधिनियम। देखिए दोस्तों, संसदीय अधिनियम जो है वो देखिए, ब्रिटिश संविधान एक अलिखित संविधान है, लेकिन अलिखित संविधानों में भी कानून का अंश होता है और संसदीय अधिनियम ब्रिटिश संविधान का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। देखिए, संसदीय अधिनियम यानी समय समय पर जो अधिनियम पारित हुए हैं, जो नियम पारित हुए हैं, उन नियमों से भी जो संविधान है उसमें कुछ शामिल किया गया है। तो ये भी क्या हो गया, एक स्रोत हो गया। अब देखिए, इसके बाद है न्यायिक निर्णय। न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिए गए वो निर्णय भी समय समय पर जो आवश्यक हुए वो इसमें शामिल होते गए, तो ये भी एक स्रोत हो गया। तो न्यायिक निर्णय को प्रत्येक देश के संविधान के विकास में महत्वपूर्ण योग होता है। ब्रिटिश संविधान में यद्यपि अमेरिकी संविधान की भांति न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है, लेकिन न्यायालय ने संविधान के विकास में पर्याप्त योग दिया है। ब्रिटिश नागरिकों की स्वतंत्रता तो बहुत अधिक सीमा तक न्यायिक निर्णयों का ही परिणाम है। देखिए, न्यायिक निर्णय भारत में भी आप देख सकते हो, क्योंकि भारत में जो ब्रिटिश छाप है तो उसका छोटा रूप आपको देखने को मिलेगा भारत में। तो जो समय समय पर न्यायालय ने जो निर्णय दिए, उस न्यायालय के जो निर्णय है वो भी धीरे धीरे संविधान के अंग बनते गए। अब इसके बाद देखिए, सामान्य विधि, ये भी स्रोत है। सामान्य विधि क्या है कि वो परंपराएं और प्रथाएं जो न्यायालय द्वारा स्वीकृत हो गई उनको सामान्य विधि कहते हैं। तो न्यायालय द्वारा स्वीकृत रीति रिवाज और परंपराएं सामान्य विधि है। ब्रिटिश नागरिकों के मूल अधिकार व स्वतंत्रताएं सामान्य विधि पर आधारित हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। जो मूल अधिकार है वो सामान्य विधि यानी परंपराओं पर आधारित है। प्रथाएं और परंपराएं देखिए, वैसे प्रथाएं परंपराएं सभी संविधानों का एक स्रोत होती है, लेकिन ब्रिटिश संविधान अलिखित और विकसित होने के कारण प्रथाएं और परंपराएं सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। यानी यहाँ अलिखित संविधान है तो पूरी तरह से ये प्रथा और परंपराओं पर आधारित है। देखिए, प्रथाएं परंपराएं किस तरह से ये स्रोत बनती गई, आप याद रखिए कि जो इंग्लैंड का सम्राट था जॉर्ज प्रथम, वो अंग्रेजी नहीं जानता था, तो उसने कभी भी जो है संसद की जो सभाएं होती थी उसकी अध्यक्षता नहीं की। तो इस तरह से धीरे धीरे परंपरा बन गई। आने वाले समय में फिर ये हो गया कि कभी भी जो सम्राट है, शासक है, वो कभी भी अध्यक्षता नहीं करेगा। तो इस तरह से एक परंपरा बन गई। और दिक्कत क्या थी उसमें, इसको अंग्रेजी नहीं आती थी, लेकिन ये बाद में परंपरा बन गई। अब देखो, संविधान पर टीकाएं। संविधान पर लिखी गई टीकाओं को भी संविधान का स्रोत माना जाता है। महत्वपूर्ण संवैधानिक समस्या उपस्थित होने पर संसद, न्यायालय और सभी संबद्ध पक्ष इन टीकाओं का आश्रय लेते हैं। देखिए, जब कोई कानून बनता है उस कानून पर जो टीका टिप्पणी होती है, चाहे वो न्यायालय की हो चाहे वो जनमानस की हो, वो टीका टिप्पणी जो है वो भी संविधान में परिशोधन का काम करती है, वो भी एक प्रकार का स्रोत होती है। तो ये हमें पढ़ना है। इसके आगे देखिए, अगला हमारा जो पॉइंट है वो पॉइंट है ब्रिटिश संविधान संयोग और विवेक का शिशु। देखो, बहुत अच्छा पॉइंट है ये कि ब्रिटिश जो संविधान है वो संयोग और विवेक का शिशु है। ये कथन है, लिटन स्ट्रेची का कथन है ये
लिटन स्ट्रेची का। देखिए इसमें हम पढ़ेंगे, इसके बारे में विस्तृत मैं बताने वाला हूं। तो ब्रिटिश संविधान का निर्माण, देखिए इसमें पहली लाइन क्या है, ब्रिटिश संविधान का निर्माण नहीं वरन विकास हुआ है। तो ये विकास का परिणाम है। देखिए संयोग और विवेक, इसका मतलब है कि ब्रिटिश का जो आज का संविधान है वो हुबहू पहले नहीं था, लेकिन समय समय पर जैसे जैसे आवश्यकता महसूस हुई और उसी के अनुसार वो ढलता गया और आज का रूप धारण कर लिया। तो संयोग कि इस तरह के संयोग होते गए और उन्हीं से ये अपना जो रूप है वो परिवर्तित कर लिया। देखो इसने 1400 वर्षों का विकास के आधार पर अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किया, यानी 1400 वर्षों में संविधान जो है। देखिए इसमें क्या, हमने जैसे आज जो देश है वो संविधान निर्माण करेंगे तो वो सोच समझ करके और निर्माण करेंगे वो, लेकिन ब्रिटेन में तो क्या हुआ, निर्माण नहीं है, समय समय पर जैसे जैसे आवश्यकता हुई उसमें परिवर्तन होता गया होता गया होता गया और आज का रूप ले लिया। तो वो निर्माण नहीं, वो एक विकास की प्रक्रिया से गुजरा है, ये हमें याद रखना है। तो ये किसमें कि ये संयोग का शिशु है, विवेक के बारे में हम आगे पढ़ेंगे इसमें। अब देखो मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था, इसमें हम पढ़ेंगे कि ये मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था जो विकास है वो किस तरह से है। देखो इसमें एंग्लो सैक्सन काल एवं नॉर्मल काल में क्या हुआ कि सम्राट को परामर्श देने हेतु दो संस्थाएं बनाई गई। वो क्या थी, एक तो ये थी विटनेजमोट या बुद्धिमानों की सभा, इसको कहा जाता है। तो ये विटनेजमोट जो है ये बुद्धिमानों की सभा, एक क्यूरिया रेजिस, हमने कल भी पढ़ा इसके बारे में, जो राज्य परिषद है, और यही आगे जाके प्रिवी कैंसिल और फिर कैबिनेट का रूप इसने धारण किया। तो जो विटनेजमोट जो है बुद्धिमानों की सभा, यही कालांतर में संसद का रूप ग्रहण किया। तो ये मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था जो है उसको इसने प्राप्त किया। तो ये एक परामर्शी संस्था बनाई गई थी और परामर्श के बनाए और इसमें विकास होता गया आगे, तो इस तरह में याद रखना है। इसके बाद अब हम आगे पढ़ेंगे विवेक का शिशु। देखो ये दोनों ही पॉइंट अपने साथ आए थे कि संविधान संयोग और विवेक का शिशु। तो विवेक का शिशु कैसे, इसके तत्व कौन कौन से, देखिए पहला जो कारण है वो देखिए, निरंकुश राजतंत्र से सिद्धांत में संवैधानिक राजतंत्र और व्यवहार में लोकतंत्र की स्थापना। देखिए इसमें विवेक, इसको आप समझिए विवेक क्या है। विवेक देखिए अपने सोच समझ और बुद्धि को जो है ध्यान में रखते हुए कुछ में परिवर्तन करना या चेंजमेंट करना, वो विवेक है। तो देखो पहले निरंकुश राजतंत्र था, लेकिन जैसे जैसे जनता ने विद्रोह किया, जनता ने मांग की, तो निरंकुश का मतलब जिस पर कोई अंकुश नहीं हो, जिस पर कोई नियंत्रण नहीं, वो निरंकुश होता है। तो राजतंत्र धीरे धीरे ये क्या हुआ कि संवैधानिक राजतंत्र आया, यानी उस पर संविधान का और जो है एक नियंत्रण हुआ, और फिर धीरे धीरे वो लोकतंत्र में तब्दील हो गया। तो कहने का मतलब है कि संयोग और विवेक ये दोनों ने काम किया और आज का संविधान जो निर्माण हुआ। तो ये निरंकुश राजतंत्र से, तो ये इस किसका उदाहरण है, विवेक के तत्व में। दूसरा इसमें वयस्क मताधिकार, देखिए अब इसमें क्या है कि जैसे लोकतंत्र की स्थापना हुई तो लोकतंत्र में लोगों का राज, तो उसमें मताधिकार एक महत्वपूर्ण प्रणाली है। तो वयस्क मताधिकार, गुप्त मतदान, अब ये जैसे मताधिकार दिया गया तो ये आवश्यकता महसूस हुई कि गुप्त मतदान होना चाहिए, और एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। अब देखिए इसमें 1929 में वयस्क मताधिकार अपनाया सबसे पहले, इसके बाद ये महसूस हुआ कि भाई जो 21 वर्ष आयु रखी गई थी, 21 वर्ष का युवा मतदान कर सकता है, लेकिन फिर ये महसूस हुआ कि भाई 18 वर्ष होनी चाहिए। तो 1969 में 18 वर्ष की गई, भारत में भी 18 वर्ष की गई है, पहले 21 वर्ष ही थी। इसके बाद देखो 1872 में गुप्त मतदान शुरू हुआ था, ये जो गुप्त मतदान है 1872 में शुरू हुआ था। तो इस तरह से हमें याद हुआ कि ये धीरे धीरे जैसे जैसे विवेक से काम लिया वैसे वैसे इसमें परिवर्तन होता गया। तीसरा है लाड़ सभा पर लोक सदन की श्रेष्ठता, पहले जो लाड़ सभा थी, अब धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे लोकतंत्र की ओर बढ़ा, लोकतांत्रिक व्यवस्था में अब लाड़ सभा जो थी उसकी बजाय लोक सदन की श्रेष्ठता जो वो दिखाई देने लगी। तो ये क्या है, विवेक पर निर्भर, यानी जैसे उनको विचार आया कि अब जब लोगों का राज हमें करना है, लोगों को पावर देने हैं, तो ये भी आवश्यकता है कि लोक सभा पर लोक सदन जो है वो महत्वपूर्ण रहना चाहिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताएं या प्रमुख लक्षण, यानी जो ब्रिटिश का संविधान है, ब्रिटेन या इंग्लैंड का संविधान है, उसकी क्या क्या विशेषताएं। देखिए पहला है विकसित संविधान। देखिए इसमें पहले भी मैं बता चुका हूं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ब्रिटेन का जो संविधान है उसका निर्माण नहीं हुआ,
उसका विकास हुआ, यानी विकसित संविधान है। समय एक 1400 साल में इसने अपना वर्तमान रूप हासिल किया है। तो ये समय समय पर जैसे जैसे आवश्यकता महसूस हुई, ये परिष्कृत होते हुए आज का विकास, आज का रूप धारण किया है। आगे अलिखित संविधान, यानी दुनिया का एकमात्र ऐसा संविधान है जो अलिखित है, यानी परंपराओं पर आधारित है, इसकी कोई लिखित प्रतिलिपि नहीं है। इसके आगे लचीला या सुपरिवर्तनशील संविधान, लचीला यानी इसमें आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है, उसको लचीला बोलते हैं, या सुपरिवर्तनशील यानी परिवर्तन किया जा सके। भारत का जो संविधान है वो मिश्रित है, उसमें क्या है कि कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो साधारण बहुमत से और कुछ विशेष बहुमत से, विशेष प्रक्रिया से ही संशोधन किए जा सकते हैं, तो ये लचीला है। अब देखिए चौथा, इसमें सिद्धांत और व्यवहार में अंतर। सिद्धांत और व्यवहार में इसका मतलब है कि लिखा कुछ गया है लेकिन वास्तव में जब वो क्रियान्वित होता है तो उसमें अंतर है दोनों में। देखो मुनरो के शब्दों में क्या कहा, ब्रिटिश शासन में जो कुछ दिखाई देता है वो नहीं है, वास्तव में वह नहीं है, और जो जो है वो दिखाई नहीं देता। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि दिखाई देता वो वास्तव में है नहीं, और जो नहीं है और जो है वो दिखाई नहीं देता। तो इस तरह से हमें ये ध्यान में रखना है। इसके बाद देखो ओग ने क्या कहा है, सैद्धांतिक दृष्टि से ग्रेट ब्रिटेन की शासन व्यवस्था निरंकुश और राजतंत्रात्मक है। यानी सैद्धांतिक दृष्टि से हम देखें, यदि हम पढ़ें तो हमें ऐसा लगेगा कि ब्रिटेन का जो शासन है वो निरंकुश है, यानी इस पर कोई अंकुश नहीं है, इसमें राजतंत्रात्मक, पर उसका रूप सीमित संवैधानिक राजतंत्र है और वस्तु तो वह लोकतांत्रिक गणराज्य है। देखिए इसमें देखिए, अगर हम वास्तव में देखें उसको जमीनी स्तर पर देखें तो वास्तव में वो क्या है, लोकतांत्रिक गणराज्य है, वो निरंकुश शासन नहीं है, ये हमें ध्यान में रखना है, लेकिन पढ़ने पर ऐसा लगेगा जैसे इसमें राजा ही सब कुछ हो। इसके बाद देखिए संसदात्मक प्रजातंत्र, संसदीय प्रणाली जो है भारत में भी अपनाई गई है, यानी संसद की सर्वोच्चता हमारे यहाँ जो है वो संविधान की सर्वोच्चता है, यहाँ संसद की सर्वोच्चता, संसदात्मक शासन प्रणाली जो है वो इसकी विशेषता है। अगली विशेषता है संसद की सर्वोच्चता या प्रभुसत्ता। तो संसद की सर्वोच्चता ये हमें ध्यान रखना है कि इसमें देखिए ब्रिटेन में संसद द्वारा बने कानून को चुनौती नहीं दी जा सकती, ये इसका सर्वोपरि उदाहरण है। इसको हमें याद रखना है कि संसद जो है वो कानून बना सकती है, नियम बना सकती है, उसको कहीं चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी सर्वे सर्वा जो है वो संसद है। अगली विशेषता है एकात्मक शासन। एकात्मक शासन देखिए इसमें क्या होता है, एकात्मक शासन में शासन की समस्त शक्ति केंद्रीय सरकार में निहित होती है, और यहां शक्ति संविधान से नहीं है। हमारे भारत में क्या है कि भारत में जो है शक्ति का स्रोत वैसे जनता है और वो संविधान के माध्यम से सबको प्राप्त होती है, लेकिन यहाँ संविधान से नहीं, केंद्र सरकार से प्राप्त होती है, यानी केंद्र में निहित है शक्ति, शक्ति का केंद्र केंद्र सरकार है। इसके बाद देखो विधि का शासन यानी कानून का शासन, यहाँ लगने में ऐसा लगता है कि सर्वे सर्वा, जैसे इसमें बताया है कि जो इनके हमारे राष्ट्रपति होता है वैसे यहाँ राजा होता है, लेकिन विधि का शासन है, यानी प्रत्येक व्यक्ति एक कानून के दायरे में बंधा हुआ है। इसके आगे देखो धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्ष राज्य, इसमें भी कुछ सवाल उठते हैं कि जो ब्रिटेन है उसमें जो महारानी है उसके लिए जरूरी है कि वो प्रोटेस्टेंट यानी ईसाइयों में जो है, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक ये इस तरह से दो भाग हैं, तो वो ही होनी चाहिए, प्रोटेस्टेंट होनी चाहिए वो। तो इस बात को लेकर कुछ सवाल उठते हैं कि इसमें धर्म निरपेक्षता नहीं है, लेकिन कुछ लोग जानकार ये कहते हैं कि जो राजा का पद है वो एक प्रकार से नामात्र का है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण होता है, प्रधानमंत्री में ऐसा कुछ लागू नहीं है, इसलिए धर्मनिरपेक्ष है ये। अगला है इसमें न्यायपालिका का व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से पृथक्करण और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। देखिए न्यायपालिका को व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से जब तक अलग नहीं किया जाएगा तो एक दूसरे में दखल देंगे, और दखल देंगे तो उसकी स्वतंत्रता नहीं होगी। तो इस तरह से ये भी इसकी बड़ी विशेषता है कि इनको पृथक किया गया है ताकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहे। इससे अगला पॉइंट जो हमारा वो क्या है कि प्रधानमंत्रीय शासन, प्रधानमंत्रीय शासन देखिए ब्रिटेन में प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण होता है, भारत में प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण है, नाममात्र की शक्ति वहां राजा को और हमारे यहाँ राष्ट्रपति को होती है। देखिए प्रधानमंत्री पद ब्रिटिश संविधान और शासन व्यवस्था का केंद्र बिंदु है, इसके पीछे तर्क देखिए। अब प्रधानमंत्री क्यों, देखिए मंत्रिपरिषद पर प्रधानमंत्री का नियंत्रण होता है, मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है, उसकी अध्यक्षता करता कौन, प्रधानमंत्री। देखो गठन का अधिकार है, स्वयं के त्यागपत्र देने पर सभी का त्यागपत्र होता है, ये भारत में भी ऐसा कैसा ही है।
कि किसको मंत्री बनाना है, किसको कौन सा पद देना है, वो सब कुछ निर्णय कौन करता? प्रधानमंत्री। और यदि प्रधानमंत्री अपने पद से त्याग पत्र देता है तो पूरी मंत्रिपरिषद जो है उसको भी त्याग पत्र देना पड़ता है, यानी वो स्वतः भंग हो जाती है। तो इस तरह से ये क्या बात सिद्ध करती है कि प्रधानमंत्री सर्वे सर्वा है। अगली बात है संसद पर प्रधानमंत्री का नियंत्रण, यानी संसद जो है उस पर प्रधानमंत्री का नियंत्रण होता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद जो है उसके माध्यम से जो है वो कार्य करते हैं और उस पर नियंत्रण किसका? प्रधानमंत्री का। तो इसलिए संसद पर प्रधानमंत्री का नियंत्रण, और संसद का नेता भी होता है वो, लोकसभा का नेता होता है, तो ये ध्यान में रखना है हमें। प्रधानमंत्री और कृपा की शक्तियां। प्रधानमंत्री देखिए, कृपा की शक्ति ये है कि वो किसको मंत्री बनाना चाहे उसके विवेक पर निर्भर है, किसको क्या मंत्रालय देता है उसके विवेक पर निर्भर है, तो ये सब उसकी कृपा शक्तियां हैं। आम चुनाव, जो चुनाव होते हैं लोकसभा के, हमारे यहाँ लोकसभा चुनाव होते हैं, आम चुनाव कहते हैं इसको। आम चुनाव प्राथमिक रूप से एक प्रकार से पीएम का ही चुनाव होता है। लोकसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं उसके पीछे मकसद क्या होता है? प्रधानमंत्री को चुनना। तो ये भी किस बात को इंगित करता है कि प्रधानमंत्री सर्वे सर्वा है, प्रधानमंत्री। इसके बाद देखो, प्रधानमंत्री देश का सर्वोच्च नेता और शासक होता है। तो सर्वोच्च नेता होता है क्योंकि प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद के माध्यम से और सब कुछ करता है। तो इस तरह से ये जो बातें हैं, ये पॉइंट है, ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो सर्वे सर्वा और महत्वपूर्ण होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मनमर्जी कर सकता है, क्योंकि उस पर भी कानून का दबाव और बंधन होता है। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा यह पहला टॉपिक पूरा हुआ। आप बने रहें मेरे अगले वीडियो तक, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। नमस्कार।